इसके बारे में बात करना चाहूंगा। इस बजट में भी पीएम आवास योजना में बढ़ावा किया गया और बहुत सारे ऐसे यू नो फोकस किया जहां एग्री में पैसा जाएगा, लोग ज़्यादातर घर बनाते हैं, टीयर टू टीयर थ्री में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया है टैक्स ब्रेक की वजह से, लोग होम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि होम इम्प्रूवमेंट के हिस्से में बड़ी स्लो डाउन दिख रही है, अगर कजारिया, बर्जर, एशियन पेंट के नंबर वॉल्यूम्स कोई इंडिकेशन हो। सीमेंट और होम इम्प्रूवमेंट स्पेस पे आपका क्या व्यू है? सीमेंट वॉल्यूम प्रेशर्स में आ रहे हैं, प्राइसिंग भी प्रेशर में आ रही है। सी इन होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी जैसा आप बात कर रहे हैं, ये सब स्पेस में रीजनेबल लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ आएगा। सर्टन सेक्टर्स, पेंट्स एंड ये सब कैटेगरी में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो ग्रोथ आने के कारण भी, आने के बावजूद भी इनमें काफी बड़ा अपसाइड नहीं आया इनके स्टॉक प्राइसेस में, बट वो वैल्यूएशन का प्रॉब्लम था। ब्रॉडली हमें लगता है कि अर्निंग इंप्रूवमेंट ये स्पेसेस में मीनिंगफुल रहेगा, एस्पेशली जहां पे अर्निंग में इंपैक्ट आया कॉस्ट पुश के कारण, जैसा इन सम बिजनेसेस गैस प्राइसेस बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गए, इन सम बिजनेसेस रॉ मेटेरियल प्राइस बढ़ने के कारण मार्जिन में प्रेशर आ गया। आई थिंक वो स्लोली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ईज होने के कारण वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, और हमें लगता है कि अगले 12 महीने में ये सब स्पेस में अर्निंग इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट आ सकता है। एंड द थ्रस्ट ऑफ द बजट, द इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फोकस है, हाउसिंग का जो फोकस है, आई थिंक वो सब प्ले करता है इनटू दिस कैटेगरी ऑफ होम इंप्रूवमेंट काफी अच्छी तरह से। सो ये सब में हमें लगता है कि अर्निंग इंप्रूवमेंट अगले 12-18 महीने में वो स्टार्ट करेगा आपको सरप्राइज करने के लिए, एंड जब तक शायद ये वैल्यूएशन करेक्शन समटाइम्स आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दे देगा कि एट राइट प्राइस यू आर एबल टू बाई दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस।